प्रस्तुति आपके सामने होने जा रहा है जो कि आपके लिए बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल नया, जो कि श्रीधाम वृंदावन से यहां पहुंचेंगे कल श्री विनोद शर्मा जी, पूरी झांकी की टीम उनके साथ है और कल उनका भी प्रस्तुति यहां होना है। तो आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों से आग्रह जन समिति करती है कल आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां उपस्थित होकर लीला का दर्शन करेंगे। सनातन धर्म के परम गुरु श्री शंकराचार्य जी के आशीर्वचनों को सुनेंगे, हिंदी भजन श्री विनोद शर्मा जी के झांकी सहित भजन का आनंद लेंगे और फिर बंगला कीर्तन का भी आनंद लेंगे। ऐसी परिकल्पना का उनका कार्यक्रम का है जगत समिति की ओर से, आगे ईश्वर की इच्छा। और आप सभी तमाम श्रद्धालुओं से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल उपस्थित होए, और आपका संख्या आज भी कम नहीं थी, संतोषजनक उपस्थिति आपकी। और ज्यादा समय न लेते हुए आपसे यही अनुरोध करेंगे कि जितने लोग इस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं सारे यज्ञ समिति के लिए वंदनीय है, सारे लोग के सहयोग से ही यह यज्ञ प्रत्येक साल सफलतापूर्वक संपन्न होता है। आप लोग देखते होंगे यहां कोई वॉलेंटियर्स नहीं है, मैं बार बार कहता हूं आप लोग सारे लोग वॉलेंटियर्स हैं, सारे लोग श्रद्धालु श्रोता है और अपनी व्यवस्था आप खुद बखूबी करते हैं। यह जग समिति आप पर बहुत गर्व करती है, हर जगह यहां से जो संत भजन गायक लीला के मंचन करने वाले लोग बाहर जब जाते हैं तो इस चीज का चर्चा करते हैं और आप लोगों के बदौलत ही जग समिति को गर्व महसूस होता है। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं श्री सुश्री सुभद्रा जी और विशाखा जी के मुखारविंद से हम लोग कीर्तन का आनंद लें, मंगला कीर्तन का। और आज इस मंच का ये अंतिम कार्यक्रम होगा, कल का कार्यक्रम के बारे में आपको बता चुके हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी भी कल आ रहे हैं और वृंदावन के जाने माने कलाकार जो अपनी पूरी झांकी के टीम के साथ विनोद शर्मा जी यहाँ पहुंच रहे हैं और फिर मंगला कीर्तन है, लीला का दर्शन है। तो चलिए आप सभी का मनोकामना यज्ञ भगवान पूर्ण करें, इसी कामना के साथ जय श्री राधे राधे राधे।